उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के बॉर्डर पर बने सेंट्रल मेडिकल एंड अर्थमेटिक प्लांट के परिसर में एक हाथी की मौत की खबर से वन विभाग में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर आनन-फानन में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घटना तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौला रेंज की है, जहां पर सुबह सी मैप के कर्मचारियों ने गश्त के दौरान खेत में हाथी का शव देखा, जिसके बाद अधिकारियों को जानकारी दी गई। फिलहाल हाथी की मौत कैसे हुई इस बारे में कोई पुष्टि नहीं मिल पाई है। एरोमेटिक प्लांट्स का रिसर्च प्लॉट है, जिसमें एक हाथी जो है सब एडल्ट मेल वो मृत पाया गया है आज सुबह, और पोस्टमार्टम जो है डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया एक नेचुरल डेथ प्रतीत हो रही है, क्योंकि हाथी के सभी अंग सुरक्षित हैं तथा आसपास कोई अन्य आबादी का क्षेत्र नहीं है जिससे प्रतीत हो कि किसी अन्य वजह से उसकी मृत्यु हुई हो, लेकिन असली स्थिति का पता जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता लग पाएगा।